ये जो इंट्रो वीडियो के शुरू में आपने देखा है, आज हम आपको ये बनाना सिखाएंगे। और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी काइन मास्टर की। काइन मास्टर अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग काइन मास्टर की तरफ और काइन मास्टर को ओपन करते हैं। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद सोलानो पर क्लिक करेंगे और क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट के बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और अब हम यहां से वो इंट्रो लेंगे जो हम इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाले हैं। इस इंट्रो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस इंट्रो को लेने के बाद हम फिर कुछ इस तरह आएंगे। इसके तकरीबन टाइमिंग बार पर देखते हुए हम तकरीबन 2.16 या 17 सेकंड्स पर आएंगे और फिर लेयर पर क्लिक करेंगे, फिर मीडिया पर क्लिक करेंगे और हम अपने चैनल का लोगो लेकर आएंगे। अपने चैनल का लोगो लाने के बाद हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करेंगे और सेंटर पर सेट करके रखेंगे। तकरीबन कुछ इतना साइज़ हम इसका करके रखेंगे और उसके बाद हम ब्लेंड पर आएंगे और स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और एरो पर क्लिक करके हम बैक आएंगे। उसके बाद हम इन एनिमेशन में आएंगे और इसको एनिमेशन देंगे फेड की, और इसकी स्पीड हम रख रहे हैं 1। वन से थोड़ा सा कम हम इसकी स्पीड रख रहे हैं या फिर हम बैक करेंगे। फिर हम अपने लोगो के टाइमिंग बार को खींचकर अपने पहले बैकग्राउंड जितना करेंगे। उसके बाद हम फिर टाइमिंग बार को क्रोमा की पर क्लिक करेंगे और अपने लोगो के टाइमिंग बार को थोड़ा सा आगे करेंगे और अपने लोगो को थोड़ा सा जूम करेंगे। फिर हम अपने टाइमिंग बार को थोड़ा सा आगे करेंगे, फिर हम अपने लोगो को थोड़ा सा और जूम करेंगे। थोड़ा सा और जूम करने के बाद हम अब पूरी टाइमिंग और इसे सेंटर पर सेट करके रखेंगे और पूरी टाइमिंग बार को आगे कर देंगे। उसके बाद हम फिर बैक करेंगे और उसके बाद हम तकरीबन 6.80 पर टाइमिंग बार को लाएंगे और फिर लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अपने चैनल का नाम लिखेंगे। अपने चैनल का नाम लिखने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे और चैनल के नाम को ड्रैग करके बड़ा करेंगे साइज में और अपने लोगो के नीचे ला के सेट करके रखेंगे। उसके बाद हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए डबल ए पर क्लिक करेंगे और मैं नोजीफर रेगुलर फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे सही तरीके से अपने चैनल के लोगो के नीचे सेट करके रखेंगे, इसे एनिमेशन देंगे और फिर एनिमेशन के लिए हम इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसे स्केल अप की एनिमेशन देंगे और इसकी स्पीड हम 1 ही रहने देंगे। उसके बाद हम आउटलाइन पर आएंगे, आउटलाइन को एनेबल करेंगे और आउटलाइन का कलर चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर येलो कलर ले रहा हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और उस आउटलाइन की चौड़ाई वगैरह हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम एरो पर क्लिक करेंगे और बैक आएंगे। उसके बाद हम चैनल के नाम के टाइमिंग बार को खींचकर अपने पहले बैकग्राउंड जितना बड़ा करेंगे। उसके बाद हम बैक आएंगे और सेटिंग पर क्लिक करेंगे और हम वीडियो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम वीडियो फेड आउट को एनेबल करेंगे और इसकी टाइमिंग हम 1.50 सेकंड्स रखेंगे और क्लास पर क्लिक करेंगे और ये हमारा इंट्रो बन चुका है। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारा इंट्रो कितना शानदार बना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।